ये हीरो है ये ब्रांड है और ब्रांड पचहत्तर बॉलों में डेढ़ सौ करता है सौ बॉलों में पचहत्तर नहीं हमारा हमारा जो प्रोसेस है हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो उस तरह कर लो लेकिन उन्होंने कहा सी सुपर पेंड हुआ रिलैक्स कर तो समझाइए ना <laughs> कि अगर वेंटिलेटर पर भी, भी होगा ना यकीन करो फिर भी जॉब ऑफर कर देंगे दो ट्यूबें निकाल के आज इस <laughs> जितनी एफर्ट जिस रनअप स्पीड जो मेरी रनअ स्पीड देखी थी नाइनटी नाइन में ये आम स्पीड तुम नहीं मैच कर सकते हो आज तो बाजिया आ रही होती ना बॉलिंग करने इंडिया उस वक्त तक भी बड़ा था उनकी इकॉनमी बड़ी थी वो हमारी स्पॉन्सर की होते थे याद नहीं पी आई लिखा होता था पीछे लोग तो रिजवान के बारे में ये बहुत कहते हैं कि दिलेर है वो तो मैं दो साल पहले पढ़ ली थी जो तुम गुलाब लाना नहीं मैं ये थक जाता है hmm. वो थक जाता है तुम सब कब पियो शाक मेरे को बीस पच्चीस मेरे फॉलोअर ऐसे नहीं है वर्क दिस पॉडकास्ट इज पावर्ड बाई टेक्नोलॉजी Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. Aj, a very big podcast. Hai humari, uh, co hosting with me today is Saad Nasir from Pro Sports. Uh, and our guest, Joy, and the Rawalpindi Express, one of Pakistan's greatest fast bowlers, the best, fastest bowler of all time. Shoaib Akhtar. thank you so much for being on the podcast. Thank you very much for having me. Achya. Sir, you have been your career. Um, I wanted to start with World Cup चल है uh, पाकिस्तान की टीम mm -hmm. की आपसे पूछ रहा हूँ क्या हो रहा <laughs> <से> <laughs> 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 <क्या> है <हो रहे? laughs> <laughs> कैसे हुआ सब कुछ पहले तो तुम तुमने शुक्रिया अदा करो तुम दोनों कितने साल किया

तो, तो पहले तो यू 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 नीड टू थैंक थैंक श्योर फॉर ठीक है ना कि हमने आपके बचपन अच्छे गुजरवाए आज कल वो रोब दब दबदबा वो दलेरी नजर आती है <laughs> नहीं कोई डरता है आपसे <laughs> नहीं इसके पीछे इन बच्चों का कसूर नहीं है बी वेरी ऑनेस्ट विद यू इसमें शाहिन शाह का कोई कसूर नहीं है इसमें हारिस का कोई कसूर नहीं है इसमें कसूर सारा क्रिकेट बोर्ड का है इसमें कसूर और सारा सकन स्टांसेस का जिसमें क्रिकेट कराई ही नहीं गई वनडे खिलाए ही नहीं गए ये बेचारे ग्यारह वन डे खेल के बारह वर्ल्ड कप के मैच खेलने चले गए पूरे साल में ग्यारह से बारह वन डे खेले वॉट यू एक्सपेक्ट फ्राम दन कि जाके वो क्या दस ओवर की बॉलिंग कर लेंगे क्या इनकी टांगों में पचास ओवर की फील्डिंग है क्या इनकी टांगों में दो ओवर का तेज पेल करने के बाद क्या इनकी टांगों में दस ओवर की जान होगी क्या इनको लेंथ पता होगी किस लेंथ से वनडे की बॉलिंग की जाती है क्या इनको ये पता होगा कि यार दस ओवर के लिए हमें बीस ओवर का स्टैमिना चाहिए होता है वर्कलोड हमें हमारी टांगों को जो वर्कलोड चाहिए होता है वो तीस ओवर का चाहिए होता है ताकि दस ओवर फील ना हो क्योंकि पाँच वनडे एट ए टाइम खेल लें तो इनका कसूर नहीं है सो hmm. so, मैं बिल्कुल इनको ब्लेम नहीं करता

जहाँ के मैच बॉलिंग करता क्लब में पूरे रनअप से आराम से करता लेकिन करता दस ओवर पूरे मिडल में ये काम किए नहीं किए ना आपने जो प्रोडक्ट तैयार की थी बीस साल पहले आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्टमेंट आपके सामने इन बच्चों को कसूर नहीं कसूर उन लोगों का जिन्होंने जिन पेंडुओं ने ये पॉलिसी बनाई थी कि छक्का मारो टी की टीम बनाओ और टी ट्वेंटी की टीम तैयार होगी और बाकी आप फॉर्मेंट सारे फारग हो गए ये टी ट्वेंटी के तो बहुत अच्छे प्लेयर हैं चार ओवर के तो सबसे बेस्ट फास्ट बॉलरस हैं दस ओवर के नहीं है दस ओवर की ट्रेनिंग नहीं है लेकिन लेट लेक मी टेक यू बैक बैक इन टू थाउजेंड जब मैं इनको समझा रहा था कि क्रिकेट डिटेरिएट हो रही है एक तो ये लफ सिखा दो हमारे क्रिकेटर्स को इस क्रिकेट इस ना क्रिकेट क्रिकेट ये टी वी बैठे क्रिकेट बोल रहे होते हैं पहले अब इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे जो लफ्स क्रिकेट क्रिकेट नहीं बोल सकते चेयरमैन क्रिकेट क्रिकेट नहीं बोल सकते वो क्रिकेट रन करेंगे क्यों तुमने मोहम्मद यूसफ इंजामुल्ला को हीरो नहीं बनने दिया क्वेश्चन hmm. क्यों एक तेज खेलने वाले और स्लो खेलने वाले को तुमने अपना आइडियल बनाया क्यों तुमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट नहीं किया क्यों तुमने टी को रखा बट डोंट यू डिट इन्वेस्ट एनी थिंग इन टू द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट क्लास डिबेट बहुत लंबी है हमने हाथों से पॉलिसीज़ के जरिए विद द चेंजिंग ऑफ चेयरमैन एवरी डे ऑफ देर मिन यू स्लीपन चेयर बेसिकलीस है सुबह शाम बदलते हैं और वो हमारी गलत पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से आ, हम पीछे रह गए और दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई नहीं था इंफ्रास्ट्रक्चर था तो उसको लोग रन करने वाले सख्त पेंडू थे मैं तो हमेशा बार बार कहता हूँ मीडिया को अगर आप चांस दोगे थ्राइव करने का तो फिर एवरेज बंदा ही ऊपर आएगा एवरेज बंदा याद रखना हमेशा अपने से ब्लो एवरेज बंदे को पसंद करेगा और तुम तो उठा के देख लो हमारे चेयरमैन ब्लो एवरेज लोग हैं लोग थे और उनकी जो सिलेक्शन थी उससे भी ज़्यादा ब्लो थी अब वो ट्रिकल डाउन करता है ऑल द वे टल द पाकिस्तान टीम मेरी आवाम इतनी मासूम बेचारी उनको पता ही नहीं है सत्तर अस्सी सालों में उनको ये नहीं पता चला कि ठीक सही और गलत में फ़र्क क्या है आज तक मेरी कौम को यही नहीं पता चला हीरो कौन है और विलन कौन है इसमें फ़र्क ही नहीं कर सकते आज तक आज तक फ़र्क नहीं पता सो वट यू एक्सपेक्ट टू पाकिस्तान टू ग्रो इंटेलेक्चुअली ये हीरो है ये ब्रांड है और ब्रांड पचहत्तर बॉलों में डेढ़ सौ करता है सौ बॉलों में पचहत्तर नहीं फिर फिर कहते हो ये हमारा ब्रांड है अगेन यार तुम्हें फर्क तो महसूस होना चाहिए देखा मैक्सवेल ने कैसे मारा फोर्टी बॉल डिकॉक ने कैसा मारा डिकॉक किस किस ने नहीं मारा नहीं मारा तो हमारा ने किसी ने नहीं मारा विकटे उनके लिए फर्क है हमारे लिए फर्क है देख यार हमारी सोच हमारा हमारा जो प्रोसेस है हमारा जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है टॉप से लेकर नीचे तक टोटल फ्रॉड है अब इसमें से अब पिटने की जरूरत क्या है रोने की जरूरत क्या है सो okay. so, इसमें मुझे कोई बेहतरी होते हुए नजर नहीं आ रही बिकॉज तो लोग समझते शायद वो अपनी नौकरी के लिए बातें कर हैं ओह भाई आई लिव इन ए वेरी कम्फर्टेबल जो सो मुझे तो वैसे ही मैं हमेशा ये कहता हूँ यार कि मुझे मुल्क के लिए मुल्क ने मुझे बहुत खुश दिया है मैं तो बेनिफिशरी हूँ पाकिस्तान का मुझे तो पैसा भी दिया नाम भी दिया इज़्ज़त भी दी mm. तो मुझे खून डोलने की ज़रूरत क्या है मुझे खपने की जरूरत क्या है पॉडकास्ट के ऊपर mm. मैं जाके किसी भी कनेरी या आईलैंड में जाके आराम से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ मैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैंने सोचा यार बच्चों को समझाऊं पास किया उनके समझाया चेयरमैन को समझाया इस तरह कर लो उस तरह कर लो लेकिन उन्होंने कहा सुपर पेंडूओ mm -hmm. रिलैक्स कर तो समझाई ना सो उन्होंने कहा वी रिफ्यूज दे रिफ्यूज टू ग्रो आई मीन एज पीपल एज नेशन वी रिफ्यूज टू ग्रो आई एम सॉरी दिस इज द बेटर फैक्ट डील विद इट और जो ये रिफ्लेक्शन देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में दे आर प्लेइंग दिस इज द डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ द चॉइसेस दैट यू हैव मेड इन पास्ट सो हैव फन और जो अभी हालात हैं मजा आया सुन के <laughs> नहीं लेकिन नहीं बट ये सच है कि नहीं सच, सच्चाई तो है सच और yes. है yes. और मेरा सवाल ये है कि सच सुनने को तैयार क्यों नहीं हो दुख होता है ना हमें तो दुख तो होता, होता है, है के अफ्रीका को हमें तो तो लगता, लगता था कि शोब अख्तर या वसीम अक्रम यूनुस वसी वसी रोज जम जाएंगे जायेंगे जो जम के आ जाएंगे तुम्हें तो मजे करेंगे उस वक्त हमें क्यों नहीं सेलिब्रेट किया मैं ये सवाल था क्यों वसीम अक्रम को एक सिटी कार दे के तो रिटायरमेंट कर दी रिटायर रिटायर कर दिया था वकार यूनुस को ऐसे ही रोते हुए आपने बाहर निकाल दिया था याद है याद है ना क्यों नजत दी क्यों ने मज़ेद मोहाली का सेमीफाइनल खिलाया क्यों ने इज्जत दी क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया आज एक रिपोर्टर रो रहा है मोली टीम वाली गुंदी करी मेरे आंखों में, में आंसू आ गया मैं क्या उस वक्त उन्हें तो शुब अख्तर के बारे में क्यों नहीं लिखा था कि इसको खेलना चाहिए था आज क्यों रो रहा है ये अल्लाह रोलाता है जब तक तो तुम अपने हीरोज़ की इज्जत नहीं करोगे देखो प्रॉब्लम है आपके लिए हमारे लिए नहीं हम तो सिस्टम के बेनिफिशरी हैं हम तो पाकिस्तान के मकरूज हैं तो मैं बार बार इसलिए कहता हूँ यार मैं अपना खून डोलना चाहता हूँ तो मुझे बार हाँ मेरे मैनेजर टीम घर वाले सारे मना करते यार तू तो क्यों क्यों करना चाहता मैंने कहा मकरूज इस मुल्क का क्या करूँ प्रॉब्लम है, है पाकिस्तानी है, तो नहीं निकल सकती ना खून डोलना है हमने वो तो खून डोले बगैर काम नहीं हो सकता लेकिन जान देनी पड़ेगी बहुत बहुत मसला है कि तो नो, नो बड़ी रेडी टू टू तो लेट अस काम इन टर्म्स ऑफ यार वी कैन हेल्प माशाल्लाह जब तक वेंटिलेटर पे हमारे पांच-छह लोग ना चले जाएं लेकिन सिलेक्शन कमेटी में आते रहेंगे इंशाल्लाह तुम देखना <laughs> ये अगर वेंटिलेटर पे भी होगा ना यकीन करो फिर भी जॉब ऑफर कर देंगे दो ट्यूबें निकाल के आज सिलेक्शन यकीन <laughs> करो वही 2010 में एक था एक 2002 में था 2013 में एक था 23 में एक था हमने डिसाइड किया हुआ हमने बेहतर होना ही नहीं और आपके ज़माने में क्या फ़र्क था मतलब जब आप नाइन्टीज़ आर कमिंग अप एज ए क्रिकेटर क्या वो एक्सपीरियंसिस बेहतर थे जैसे वसीम भाई बात करते हैं कि इमरान बहुत यू नो वाज यार क्या? हम लकी थे हमारे पास सुपर आ गए थे प्लस सिस्टम अच्छा था कोई चाचे अच्छे थे ग्राउंड्समैन चंगे थे कोई मामे चाचे हमारे को पर्सनल नहीं थे वो बेचारे हमसे लाड करते थे हमसे प्यार करते थे प्लस 92 वर्ल्ड कप की जीतने के बाद तो पूरा मुल्क फ़ास्ट बॉलर बनना चाहता था तो अब वहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं थी वहाँ पे जो तकरीबन को 2000 फास्ट बॉलर था मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ आज के जितने फ़ास्ट बॉलर हैं यकीन करो उस वक्त के कैंप में नहीं आ सकते थे ये लोग जो आज पाकिस्तान टीम खेल रहे हैं आई मैं तुम्हें लिख के हल्फन दे रहा हूँ कि कैंप में नहाते जी सर मेरे ट्रायल्स हुए हैं तकरीबन दस मुझे सब में से बाहर निकाला उन्होंने कहा भाग जाओ तुम यू आर नॉट गुड एनफ वाज दैट बायस्ड या no, असल में वो बहुत अच्छे थे पर नो दे आर फार बेटर एथलीट्स देन मी अच्छा मैं मजाक नहीं कर रहा तुम तो लोगों से सो हाउ डिड यू मैनेज टू ब्रेक इनटू द साइड अगर ट्रायल्स से निकाले जस्ट आई गेस आई वाज बी लकी दैट्स ऑल आर लकी एंड येरा मुझे एक बात बताएं थोड़ा सा लकी तो मैं बस और लेमेंट था ड्रपोक नहीं था दलेर था मेरे जितने कंटेम्प्रेरीज थे ना वो सारे विजन इतना बड़ा नहीं था उनका वो बड़ा सोचते नहीं थे आ, डरते थे मैं सुबह तीन बजे निकल जाता था सर्दियों के सुबह में और मेरी वालदा होती थी सिर्फ जागरी होती थी मेरे साथ मैं भाग के आ जाता था टेन माइल्स ईच साइड रनिंग खाली फिर तीन घंटे बॉलिंग फिर साइकिल पे देखा ना मोरगा गाँ मोरगा से पिंडी स्टेडियम देखा है कितना दूर है एवरी डे और ये भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है ये भी पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है इतनी मेहनत इतना जुनून टू जस्ट बिकम अ बॉल पिकर और उसके ऊपर मैंने कहा कि आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस गाय जो ये खेल रहे हैं बट ही इज़ माई आइडियल और आइडियल नहीं आइडियल तो आइडियल तो नहीं कह सकते मेरे फेवरेट हैं और इनकी वजह से मैंने क्रिकेट स्टार्ट की है

जिस तरह लोग इमरान खान की बात करते हैं ये पॉडकास्ट कौन रन कर रहा है <laughs> तो? जी आ, hmm. हाँ. तो काम मुझे आता आ, ब, नहीं आता ना हाँ. तो यार इस सारे मैकेनिज्म को चलाने के लिए भाई आप जरूरी हो यू आर द कमांडर ऑफ द शिप कैप्टन ऑफ द शिप यू आर द कमांडर ऑफ द आर्मी यू हैव टू लीड बाय एग्जाम सिंपल एज एज दिस Mm. You have to perform, you have to inspire, you have to be selfless, you have to be well spoken, you have to be above and beyond this uh of the team, the politics and everything. You have to be very, very a good man to win the World Cup. Mm. Is that good enough for you? <laughs> <laughs> it's good, it's <More> good enough. <laughs> Agar aap jo marzi ko, mm. Yunus Khan about Khan ke mein, Jo marzi ko, mm. They were the best people, the best human being around you. अभी वेरी ऑनेस्ट विद यू ये इज्जत ना ये वर्ल्ड कप वाली बड़ी ख़ास लोगों को मिलती है धोनी वो आम बंदा थोड़ा ही था जिसको इज्जत मिल गई ये बड़ा ख़ास बंदा है उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो बात की बात है लेकिन तब तक वो बहुत अच्छे थे जब तक वो वर्ल्ड कप जीतते ये वर्ल्ड कप वाली इज्जत है भी नहीं मिलती ये ये सब लोगों की खाम ख्यालियाँ होती हैं कि हम ये कर लेंगे हम कर रहे हैं ये वो खाले जी के घर है जो गए तो तुम जीत के आ जाओगे इस तरह नहीं होता जीते हम भी नहीं वर्ल्ड कप लेकिन नाइनटीन नाइनटी का मैं क्रूज थ्रू किया था क्रूज mm थ्रू -hmm. मतलब yeah. हमने मारते हुए आगे पहुंचे थे अनस्टॉपेबल mm अनस्टॉपेबल -hmm. और फिर ऑब्वियसली उस कॉन्ट्रोवर्सी नहीं पढ़ना चाहिए टॉस करके जीतना बैटिंग करनी चाहिए थी आई डोंट नो इट वाज ऑनेस्ट मिस्टेक बाय वसीम अकरम बी वी ऑनेस्ट विद यू इट वाज ऑनेस्ट मिस्टेक बट टू टर्न आउट टू बी अ बैड डिसीजन टू बैट फर्स्ट अगर शायद हम बॉलिंग कर रहे होते तो शायद वुड हैव बीन डिफरेंट बट अगेन Uh, उस सारे सिनारियों में वीम अक्रम भाई ने बहुत सारे मैच जिताए हैं जिसमें मैं भी कई मैच हैं मैंने उनसे कहा यार मैं नहीं कर सकता अभी वेरी ऑनिस्ट हुई थूँ सच एज एग्जाम्पल अ गेम की ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था लीड्स में तो उन्होंने मुझे फेवरेट एंड दिया विद द विंड दिया पूरा वर्ल्ड कप तो मुझे डेमिन मार्टिन का मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहा भैया आप कर लें यार तो बड़े तेज थे उन्हें कह ठीक है मैं कर लेता हूँ छोड़ दे रिलैक्स कर मैच जिता के फार करता हूँ दो आउट भी किए चार आउट किए थे मैच भी जिता दिया था दिस इज दैट्स एम सेइंग द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बिल्कुल वसीम अक्रम इज ग्रेटेस्ट ऑफ आई मीन आई वुड वु कार यूनिट टू दिस बट वन द स्किल सेट एंड एवरी थिंग फिर वो थोड़ा अब्बा वन बियउंड जाते हैं सो दैट्स वाई सचिन वसीम अक्रम और शैनवान द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बस पीरियड इससे बड़े करेक्टर दुनिया में नहीं आते बाकी आप डिफरेंस अपना ओपिनियंस रख सकते हैं मुझसे कप्तान एंड एंड बियॉन्ड बियॉन्ड नहीं होगा देख यार मैटर करता है यार इंटरनेशनल hmm. प्रेस बैठी है पेट्रोल से हो गया इज दैट हाई यूनो टॉक इज द वे यू गोना टॉक तो मैं क्यों कहता हूं यार बोलना सीख लो यार वाई डूज यू हाई मी टू कॉमन

यार PSL को देखते हुए और ये सारी चीजें द बोर्ड इज मिसिंग अच्छा आने नहीं देंगे कोई अच्छा चेयरमैन आने नहीं देंगे अलग hmm. है ये तो बिजनेस hmm. अच्छा क्रिकेट अच्छी हुई है अच्छी हुई क्रिकेट नहीं टी ट्वेंटी क्रिकेट अच्छे निकले अच्छा अच्छे निकले फिर अब फिफ्टी ओवर का क्या करेंगे प्रॉपर क्रिकेटर्स और मटेरियल वाले सब्सटेंस वाले दिल गुर्दे वाले वो किधर है, अच्छा है पीएसएल बन गया भाईजान मैं कहता हूं और बनाओ मैं तो दस स्टेप आगे जाता मैं ब्रॉडकास्टिंग अपने राइटर अपने हाथ रखता डिजिटल राइट हाथ में रखता पी एस टू कराता हर प्रोविंस की लीग कराता और प्रोविंस से हर पच्चीस टीमें उसमें से पच्चीस करोड़ पर लेके मैं दस टीमें बनवाता हर प्रोविंस की उनका जो टॉपर होता उन टॉपर्स का मैं फाइनल कराता वहाँ से पी एस टू करा के जो भी जीतता उसको सीधा पी एस मेन पी में ले जाता क्यों नहीं रावल पिंडी एक्सप्रेस लाते हो लाओ ना पिंडी वाला पिंडी वालों ने मार मर के फाड़ फूट के सारा कुछ फार कर देना है इस्लामाबाद वालों का हैं जो साल में सिर्फ एक डेढ़ दो तीन दिन नजर आते हैं जो है ना ये तो मम्मी डैडीज़ से बॉयज है ना तो पिंडी वाल वाले तो रीजनल वाले हैं मैं मेरे टाइप वाले <laughs> तो क्या होगा इंगेजमेंट आएगी लड़ाई झगड़ा होगा आधा स्टेडियम पिंडी का बैठा <laughs> हुआ पिंडी में खेलो पिंडी में पिंडी, में पिंडी का ग्राउंड है <laughs> भाई आप गालियाँ पड़ेंगी इंगेजमेंट आएगी आपका कंटेंट क्रिएट होगा <laughs> आपका कौन द वर्ल्ड इज अबाउट क्रिएटिंग अ कॉन्टेंट वट आर यू क्रिएटिंग राइट नाउ कॉन्टेंट ना बिल्कुल <laughs> ज अबाउट क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर दैट यू नीट टू है एंट्री सी फैसर इनको मर्जेंटाइजिंग mm -hmm. कैसे होती है सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं और सिनेमा से ज्यादा पैसे नहीं बनते टिकटों से और mm -hmm. जो बार खोखा लगाता ना उसके पांच हजार रुपया लगा आते mm -hmm. के आते हो बच्चों पे बिल्कुल स्टेडियम के बाहर कैसे बेचोगे mm -hmm. कलर कैसे बेचोगे mm -hmm. गाड़ियाँ कैसे मंगाओगे हाई गना कहते हैं प्रॉपर्टीज मनी हाउ गोना डू दैट इज गोन थिंक जब मैं ही बातें ऊपर से गुजर जाती हूँ के। यार तेरे तो इतना दिमाग है यार मैंने सिर्फ मैं ये कहता हूँ यार काश ये मेरी बातें समझ जाएं काश लेकिन के पेंडू लगाते हैं <laughs> तो नाल पुत्र बैठा होंगे इमेजन नाल कोई एक आ जाता है बिग लगा के कोई चेयरमैन एट लीस्ट यूर बोर्ड वाले कंप्लेन कर रहे हैं मुझसे कहते हैं एक चेयरमैन है, आया वो सलाम ही नहीं करता सुबह उठ के हमसे मैं क्या वो चार सौ साल के लिए आया था चेयरमैन ये तो हालात है पता कख नहीं अंटिल आप ठीक बंदे ठीक जगह नहीं लगाना शुरू करेंगे आपको मैं गारंटी कर सकता हूं आप रोलेंगे और पेंडा लाई जाओ पेंडा चौपलूसी करवाता जाएगा उसके नीचे खुश आमदी आते जाएंगे और अल्लाह का अजाब पड़ता रहेगा मैं सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहा मैं इकोनॉमिकली भी बात कर रहा हूँ हालात आपके सामने yeah. होपलेस सिचुएशंस है सर इस वजह से तो ऐसे निकलोगे पहले एडमिशन तो करो अपनी एडमिट तो करो पहले ये तो को कि हाँ हम गलत हैं तुम तो सा आवे ना आवे फ्रॉड का मौका लगे तो वॉरन कर जाएगा ये है ना तो फिर मसला तो है आ, मसला है बंद कर दीजिए <laughs> आप खेले थे, इंडिया में खेले थे आपने इंडिया को देखा है, well? uh, जो, हम जो अच्छा है ना ओपरा जो सर वो पैसे कितने होंगे सर इतने पैसे हैं आपके आपको जिंदगी भर परेशानी की जरूरत नहीं पड़ेगी आप काम कीजिए बस हमारे यहां मेक श्योर करते हैं सबसे बुरा गुण है तू तो फोट टोटल गल और कितना के मतलब और कितने के सिंपल से दुनिया क्यों ग्रो की है और शुक्र करो गोरा आ गया तीन चार चार सौ सालों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बना गया ये नहमत है तुम्हारे लिए नहीं तो तुम आज तक खोतियों घूम रहे होते <laughs> खोती पे तुमने खोती के पीछे रेड़ा लगा के लगा के टायर लगा घूम रहे होते तुम लोग उन्हीं दा के उन्होंने गला गाड़ रहे होंगे जब जिस मुल्क में मैं जाता हूँ बड़े ऐज दिन बड़े ऐस दिन पाए तो मैं इतने रह क्यों रहा इतने रह क्यों रहे, रहे, रहे? टैक्स क्यों नहीं दे रहे हैं कम्युनिटी सर्विस क्यों नहीं कर रहा है उधर ही रह के उधर ही गालियां दे रहे होते समझ <laughs> हाँ जी आजा, भी मैं थोड़ा सा आज के इंसिडेंट पे आना चाहता हूँ कौन सा पीसीबी ने एक स्टेटमेंट निकाल लिया और मेरा कोई लेना देना नहीं नहीं, ही है मैं आपको पता एक बात सुनो मैं, मैं बात सुनो मैं तो मैं सही कह रहा हूँ वो मेरा मैनेजर है वो मुझे टीवी पे

After the World Cup, लेकिन सपोर्ट करें आप हमारे प्लेयर्स को। आजा। They want the fans to support, लेकिन खुद कह रहे हैं कि बाबर क्या हम असेस करेंगे? वो ने कहा कि तनुमी सेस कर रहे हैं, <laughs> एस्टोर नंबर तो बाद। हाँ, तो उसी दोनों का ठीक जाना है। Relax <laughs> करो, you're on the same boat। वैसे हाँ, मैं सवाल था। I'm breaking this news to you। Sure, sure। फिर मेरे ये सवाल था कि आप इस � सैड मोमेंट था लेकिन अच्छा इस तरह था कि वो दिखा रहे थे बड़ी फैमिली है दोस्ती यारी है और नाइन्टीज में बहुत फेमस है कि बहुत सारी स्टार्स थे तो ईगोज थे आ, कितना मैटर करता है आ, आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं हमें तो इस चीज़ का नहीं समझ कि कॉमराडरी ज्यादा जरूरी है या लेकिन द बेस्ट टैलेंट शुड प्ले कॉमराडरी यार देखो वो रस् से बाहर होती है रस्से के अंदर कोई दोस्ती नहीं होती और ना कोई दुश्मनी होती आई रिम्बर दैट इन डेज दैट वसीम भाई द्रेटेस्ट ऑल टाइम राइट वकार भाई इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भाई दाई अगर mm. मैं पाँच पिक करना हो, तो वकार भाई इन पांचों में आते हैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम दुनिया के फास्ट बोलर को yeah. इसमें मैं मल्कि मार्शो को भी डालता हूँ सो so, अंदर तो कोई दुश्मनी नहीं थी mm. अंदर कोई दोस्ती नहीं कोई दुश्मनी नहीं एक था आई एम टेकिंग मोर विकर्स That's दैट्स आई एम बनिंग दिस गेम सिंगल हैंडेडली Simple. यहाँ एक दूसरे तरफ आजकल तो देख रहे होते हैं दूसरी तरफ कि यार तू जिता दे तू जिता दे तू जिता दे ये बड़ी अजीब सी बात है हमारे यहाँ सिंपली अगर हमारा कप्तान अच्छे मिलते हमारे टाइम पे वसीम भाई के अलावा तो हमने बहुत जीतना था हमारे पास बहुत बहुत टैलेंट था लेकिन अनफॉर्चुनेटली काश इस टैलेंट को इमरान खान मिला होता है जो हमारा टैलेंट था मैं लाइक वो वुड हैव बीन वर्ल्ड बीटर वर्ल्ड बीटर और वर्ल्ड बीटर भी होते हैं और वैसे भी मार रहे होते हैं डंडा <laughs> उसे दूसरी टीमों को <laughs> मैं तो मैं सच कह रहा हूँ मैं तो मैं सच कह रहा हूँ जितनी एफर्ट जिस रनअप अप स्पीड जो मेरी रन स्पीड देखी थी नाइनटी नाइन में ये आम स्पीड तुम नहीं मैच कर सकते हो आज तो बाजियाँ आ रही होती ना बॉलिंग करने तो उस तरह नहीं बजानियाँ टेरर था पूरा ये बचो ये तो आग गए नहीं करके मैं क्या तो बॉलिंग कर रहा डर रहे हैं माफिया मांग रहे हैं अगले को वो ये यार वो छोड़ो ये फ्रॉड है क्रिकेट ऐ <laughs> मार रहे हो <laughs> आपको लगता है कोई <laughs> पाकिस्तान से नहीं लेकिन जनरली ये मार्क वोड जोफ्रा फ्रॉड है ना क्रिकेटर अच्छा <laughs> क्रिकेट फ्रॉड तीन दायरे हैं दो नए बॉल हैं uh. तीस हजार रन कर जो <laughs> क्या फायदा <laughs> किधर है शेन वॉन वसीम अकरम वका यूनस सकलैन hmm. ये कैलस क्लोजनर डोनल्ड hmm. पॉलक कैडेक फ्लेंट जॉनसन hmm. ये ब्रेटली मैं hmm. और लाओ ना एक बॉल से करो ना जरा सो तुम्हें तो लग समझ जाए फ्रॉड क्रिकेट है आज की तुम तो आओ ना मैं क्यों रिस्पेक्ट करता हूँ सचिन तेंदुलकर की hmm. मैं क्यों इंजमाम की इज्जत करता हूँ या यूसुफ़ की या बाकी जैक कैले से करता हूँ hmm. तो सॉफ्ट बॉल के साथ हैं जी पचास ओवर में उन्होंने शो करना हैं जी फील्डर भी छः बार खड़े हुए हैं और कभी साथ भी कर लेते थे दायरे भी ख़त्म करते थे hmm. कब दायरे ही नहीं था पंद्रह ओवर के बाद करो ना रिवर्स विंक के ऊपर तो ये कौन सी क्रिकेट है मैं ये मैं नहीं, नहीं कहता यार जिन्होंने रन्स बनाए विश द बेस्ट ऑफ लक hmm. बहुत अच्छा आई एम हैप्पी हैप्पी फॉर फॉर यू 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 आर मेकिंग मेकिंग मनी आई एम रियली है तो मैं लग समझ जानी थी खाली सात अफ्रीका के पांच फास्ट बोल थे बिल्कुल hmm. वही जान नहीं छोड़ते थे Hmm. हर टीम में चार फास्ट बॉलर जिन जिसे, जिसे थे जिनमें से माठे ऑलराउंडर माठा कहते थे फास्ट बॉलर hmm. उसमें अरज़ाक और कैलस आते थे, थे hmm. और वो भी तेज बॉलिंग करते थे कोई बाउंसर नहीं दो बड़े मुश्किल से अलाउ किए हैं दो नए बॉल रिवर्स हो नहीं रहा मारी जा रहे हो बैट्समैन बैट्समैन ने रेंटेड गेम बना के कितनी कि मशहूर कर लिया आपने मुझे एक सवाल पूछता हूं आपसे और और एक, एक अपना क... एक फास्ट बॉलर, वो डेनिस लेली हो जेफ थॉम्पसन हो या मेलकम मार्शल हो या होल्डिंग हो क्राफ्ट हो आज भी नाम याद है और बैट्समैन में, में सिर्फ एक विव, विव याद है जो मार धाड़ वाला था तुमने जान के ये गेम खराब की है फास्ट बॉलर को रोल कम करके फास्ट बॉलर आज लड़ रहा होता आज थोड़े से न हर गेम में लड़ाई झगड़ा होता है हर गेम में मार कुटाई होती है क्या हो गया है और ये जो सो चल सोच तुमने है। इतने लॉस सख्त कर दिए बैटिंग 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 है गए मैं क्यों कह रहा हूँ सो क्या बैटिंग तो चार भी हो गया मजा नहीं आ रहा कभी चार तो अब शुगर है शुगर है आपको करो ना वो ढाई सौ या दो सौ बीस दो सौ तीस कहते थे यार बड़ा अच्छा स्कोर है दो सौ बीस हो गया शुक्र है दो सौ बीस पच्चीस ना विनिंग स्कोर है बहुत बड़ा स्कोर है ये नहीं करने देंगे हम ये क्या फ्रॉड क्रिकेट है चार चार सौ मारी जाने तीन तीन दायरे रखे हुए हैं मजदार विकटे हैं कोई फ्रॉड बातें करते हैं सारे ऊपर बैठ के हुए तो <laughs> हम सिको बैठ मैं तो बैठना इसलिए नहीं चाहता हूँ और ये भी सारी एक... फ्रॉड बातें करते हैं अपने लेके बैठे होते आपको आपको लगता है पंद्रह साल से कह रहा हूँ कह रहे हैं क्या मेरा इंटरव्यू उठा ले शायद ओवर का हैं। और बस टी का ये आखिरी हो या अगला इस अगला आखिरी हो कौन देगा ब्रॉडकास्टर पैसे नहीं लगाएगा इसके ऊपर तो आई क्या करेगा कौन बैठे सौ ओवर लिए, चालीस ओवर देखें ये सौ ओवर देखें और इससे भी शॉर्ट होगी क्रिकेट कोई एक ज़माना में जो कह रहा हूँ एक ज़माना होगा टॉस पे अच्छा यार टॉस टॉस खेल लेते हैं तू टॉस जीता, मैं जीत गया तू हार गया तो मैं हार गया ये एक्चुअली गेम्स आ जाएंगी ये कोई टाइम आ जाएगा ना कौन इंडिया हैज़ मूव्ड ऑन यार क्या लगता है ये इंडिया बीस साल पहले वाला है या, मेरा मैंने जो इंडिया देखा था पच्चीस साल पहले जिसमें कोई सोशल मीडिया को नहीं।, नहीं एक दिन में पिक्चर देखनी है भाई रात को दिन में मैच देखना रात को पिक्चर देखनी है भाई ये है टोटल शोवल तो तो इंडिया का इंडिया हैज मूव्ड ऑन ये वो इंडियंस नहीं है जो आज से तीस साल पहले जो ट्रैवल नहीं करते थे जिनके हाथ में सोशल मीडिया नहीं था वो नहीं आ रहे वो सिर्फ इंडिया मैच के लिए आएंगे टोटल बाकी इंडियंस में वो परवाह ही नहीं कर रहे आ ही नहीं रहे खाली दो फाइनलिस्ट खेल रहे हैं उनके पहले मैच में स्टेडियम खाली सैड फॉर क्रिकेट ना अच्छा एक ये भी कंस्पेरेसी है कि इंडिया क्योंकि चाहता है कि आईपीएल प्रमोट हो तो इसलिए उन्होंने सही मैनेजमेंट भी नहीं किया तो अब नहीं कर लो फिर तो मिट्टी के माध दो तुम अपनी बड़ी कर लो क्यों वैसे अच्छा छः साल से टीम नहीं ला रहे दस टीमें नहीं बना रहे तो अपना ब्रांड बना रहे तो बना रहे ना भाई उनका क्या कसूर

कंटेंट hmm. क्रिएशन के तीन हजार करोड़ और डाल रहे हैं hmm. बीच में और मेरे ख्याल में कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक दैट फिगर्स बैतालीस करोड़ छत्तीस करोड़ से बैतालीस हजार करोड़ की खाली टीवी राइट्स के हैं तो तुम कहां स्टैंड करते हो नहीं <laughs> है कहते जी बाकी छोटे टीम नहीं लॉन्च देंगे मैं कहीं शाह <laughs> वो हंड्रेड थाउजेंड करोड़ पे पहुंच गए तुम्हें किसी ने हाथ पकड़ा हुआ है कि तुम पाँच हजार पाँच हजार करोड़ की लीक भी नहीं करा सकते क्यों नहीं करा सकते फ्रॉड है इसलिए नहीं करा सकते <laughs> ये टोटल मसला मेरे मुल्क का मसला ये है hmm. नहीं करना काम ही नहीं करना कम जवान दी मौत है करना ही नहीं काम क्यों नहीं करना इंडिया नाइन्टी सेवन तक उठाओ मैच और निकालो मैच तुम्हें पता होंगे कि जो जितने स्पॉन्सर थे पाकिस्तान के लगे हुए थे शाहजह में जाओ उठाओ देखो उस वक्त इकानमी पाकिस्तान की छोटी थी बड़ी थी इंडिया उस वक्त तो भी बड़ा था उनकी इकानमी बड़ी थी yeah. वो हमारी स्पॉन्सर की होते थे याद नहीं पी आई लिखा होता था पीछे yeah. yeah. उठाओ स्पॉन्सर सारे 97 तक हम वी वो द मेन स्पॉन्सर ऑफ क्रिकेट क्या हुआ क्यों नहीं उस आपने सोचा बीस साल का आगे क्यों नहीं सोचा कोमे सोचती हैं लुडी बढ़ा okay. आ हो पता है कहीं आई पी एस से मुकाबला करने चल हो कहाँ से कर सकते हो तुम मुकाबला वही अभी फॉरेन से फ़ौर शालकोट लॉन्च करनी थी पिंडी एक्सप्रेस लॉन्च करनी थी कश्मीर लॉन्च करनी थी साथ ही गिलगित बल्तिस्तान लॉन्च करना था आपने साथ ही दो टीमों को मार्जिन रखना था जो नीचे से ऊपर आए जो नाच अकेले हैं उनको रेलीगेट करो और उसको प्रमोट करो किसी ने आपको मना किया था लोग आगे पीछे लीगें करा रहे हैं आपके नाक के नीचे आप एनओ दे रहे हो तो मिट्टी के मादू तुम्हें तो क्या मसला है यार बेसिकली हमारे अंदर वही नहीं मैं भी सी बह गए माइक ला के बह गए <laughs> <laughs> पता है कि <गगनी। laughs> <laughs> नहीं मारी जा रहे असल में मर्ज का पता ही नहीं बैठ के ये हो रहा है वो हो रहा है क्या हो रहा है

क्रिकेट पे काम क्या मतलब क्रिकेट के ऊपर बात कर तुम पैसा बना रहे हो तो कहते हम क्रिकेट पे काम नहीं करते बहुत <laughs> अच्छे, <laughs> अच्छे। <laughs> इंडस्ट्री में पूरा घुसे <गुशे> हुए <laughs> क्रिकेटर को बुला के जो सबसे कैंडिडेट बोलने वाला <laughs> उसको बुला के काम नहीं करते कैसे ओनरशिप है ही नहीं <laughs> नहीं बात सही है टेक्निकल कैंडिडेट हेड बन जी ओनरशिप ना लेंगे तो भी वही बन गए अच्छा मुझे ये बताए कि पूछे ब्रांड्स की बात करते हैं uh. अब ये जनरली भी मैं सोचता हूँ कभी कभी hmm. आपको ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में क्रिकेटर्स या जनरली सेलिब्रिटीज़ भी बहुत कम ब्रांड्स हैं मतलब hmm. आप एक ब्रांड हैं शायद फ्रीदी एक ब्रांड हैं hmm. इस करंट लॉट में से कम इसमें मीडिया ट्रेनिंग की बात है जस्ट one of the best thing about the man mm. is when he thinks about his growth. A mm. growth It's about the growth. Mm. In general, about everything. Mm. Either his speaking power, the way he looks, the way he talks, the way he thinks, economically, financially, wo, wo प्रॉपर्टी का भी काम जानता है जनरल ग्रोथ एवरी अबाउट एवरीथिंग रिलीजन रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग टॉकिंग इंटरैक्शिंग इंटरैक्टिंग करना इंटरैक्शन इज द मोस्ट ईजीएसट वे टू गेट गैट सेल्फ एजुकेटड उत भी आंधी मंगा रहे होतेम्बल ठीक हैं चार चार किलो आंधी मंगा लेते आस्ट्रेलिया क्यों आंडी खानी है Hmm. क्यों अपने लोगों के साथ घूमना है वाई कान्ट्रैक्ट विद द विद द गोराज उनका कल्चर जियो उनकी ज़िंदगी देखो हाउ दे लिव हाउ दे बिहेव दे डू जोड़ा सेवेंटी फाइव में गया हुआ वो सेवेंटी फाइव में रुका हुआ उस वक्त जो उस नाइन्टी फोर में गया है कनाडा या अमेरिका वो नाइन्टी फोर में रुका हुआ कहते मैं ऐसे आगे जाने निकलना ही नहीं

शेन मॉन था जब मैं खेल रहा था ऑल माय फॉरेन फ्रेंड्स मतलब वानी से बहुत था क्लोज था मतलब ऐसे क्रिकेट की बात भी <coughs> जब आप रिटायर हो गए उसके बाद भी यार तुम लोगों को शायद पता नहीं है अभी तो जो, जो वसीम भाई या वकार भाई जो खेले हैं हाईस्ट लेवल पे क्रिकेट वो बताएंगे हमारा एक कल्चर होता था सूट एंड के काउंटी क्रिकेट में सूट एंड के आपने ग्राउंड जाना है फिर आपने वो कपड़े उतार के ट्रेनिंग कपड़े पहनने मैच खेलना है आपने आप थके हारे ये वो जो भी गंद पसीने से आए हैं यू गो ना है शॉवर पोटा सूट एंड टाई खुशबू लगाई कर गो टू द बार एरियाज आप बेशक पियो ना पियो आप जूस पियो बट इट इज़ कंपल्सरी फॉर यू टू गो एंड इंटरेक्ट विद द मेम्बर्स क्या सारे दिन में आपने ये बॉलिंग की बैटिंग की ये कल्चर है उनका तो हमने तो हमें तो फॉलो करना पड़ना था ये कल्चर क्योंकि ये नॉर्म्स है किसी क्लब के भी आप जाते हैं ज़रूरी नहीं है कि जैसे इमरान भाई जाते थे कहीं तो वो दूध पीते थे वहाँ पे हम ग्लास जूस का ग्लास पड़ के खड़े रहते थे सो उनको जवाब देना पड़ता था सवाल क्या था मैं भूल गया सवाल ये था कि इनमें से अभी आजकल मैं आपकी, में आपकी मतलब से तो ये कल्चर हुआ करते थे वहाँ के तो सिमिलरली जब इंटरनेशनल मैचेस खत्म होते थे तो हम दूसरी दु, दूसरी टीम के जो लड़के होते थे गोरे वो हमारी ड्रेसिंग में आ जाते थे वो अपना पीते पिलाते थे बी वगैरह जो भी पीते थे तो हम बैठते थे इंट्रैक्शन करते थे उनसे अच्छा ये तुम्हारा मैच हुआ यार तुम बहुत अच्छा खेले हो अच्छा ये तुमने कैसे किया वो किया ये गोरे का कल्चर है हम चले गए स्टूडेंट ड्रेसिंग रूम में बैठ के तो वो फिर वेलकम करते थे इस चीज़ को हाथ मिलाना गोरे का कल्चर है बाद में मैच हारने के बाद भी उनके ड्रेसिंग में जाना या उनके मेंबर्स से इंटरेक्शन करना ये कल्चर है आप बेशक यार अपना मुसलमान ही अपने, अपने पाप, आपका ईमान कमज़ोर है कि कुड़ी देख के मुंह पर एक कर लेना है इधर देख के इंटरव्यू दे रहे हैं तो ना खेड़ गए फिर सो so, ये इट्स अ पार्ट एंड अ पार्सल ऑफ द गेम सो so, अपने नोम्स को अपने अपने ईमान को तगड़ा रखो कोई ऐसी बात नहीं आपको कौन तंग कर रहा है आप इंट्रैक्शन करें बात करें फैमिली लाइफ डिस्कस करें वो मैच के बाद फैमिली लाइफ डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे साथ हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं यार वो ही खेलता है वो आपके मैं जितने प्लेयर से मिला हूँ कहते हैं यार वो हमारी वीडियोस का हम तुम्हारी वीडियो, वीडियो ज़्यादा देखते हैं हमारे बच्चे तो तुम ये कैसे करते थे हमारी फैसिनेशन है सो उस इंट्रैक्शन से मज़ा आता है ग्रोथ होती है बट एनी आगे चलें चुए भाई आप मुझे मारेंगे लेकिन मैं वापस करंट क्रिकेट पे oh <laughs> <laughs> oh वैसे मैं एक सवाल पूछूं तेरे सवाल अच्छा था। था। आपके बेटे आए हुए थे और अब अभी यंगस्टर्स mm. की बात करते हैं वुड यू वांट योर सन्स टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान देयर चॉइस एज आई सेड इट आई एम लाइक माय मदर एंड दे लाइक दिस आई डोंट थिंक दे हैव द बायोमैकेनिक्स फॉर दैट टू बिकम द फास्टेस्ट बॉलर दे विल बी अ गुड बिजनेसमैन दे विल बी अ वेरी स्मार्ट लुकिंग किड्स और आई डोंट थिंक दैट विल बी अ क्रिकेटर्स

Don't don't say that to to me. Get out. Hmm. Get out. on with it. You have to play for six hours. I don't care. डोंट सेट आउट hoga यार तब होगा ना तब टैलेंट होगा hmm. वो अपनी माँ की तरह मैं अपनी माँ, मेरी माँ एथलीट थी hmm. इनकी माँ एथलीट तो नहीं है ना hmm. ये अपनी माँ की तरह देखते भी हैं लगते भी हैं चलते भी हैं सो hmm. so, push them. सो hmm. so, जो खेलना है खेलो मैंने सारी स्पोर्ट्स खेलो कंपेरेटिव हो बट फॉरगिविंग हो और मेक श्योर यूर हेल्पफुल हो ये बच्चों को मैं सिंपल सिंपल समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ हेल्पफुल हो फॉरगिविंग हो और मेक श्योर sure करो यार कि कोई बात तुम्हारे से जाती हो चुप कर जो hmm. कोई ऐसी बात नहीं सो आई थिंक माई सन्स नो डिसपेक्ट

टाइम मसले पर भी जाना पड़ता है दो हज़ार उन्नीस में मसल बैठे हुए थे दो हज़ार फिर नैदरलैंड की तरफ देख रहे थे आज हम देख रहे साउथ अफ्रीका की तरफ आ, ऐसा एक काम करो मैं सोल्यूशन देता हूँ मेरे पास सोल्यूशन आ गया इस चीज़ में मैं यही सोच रहा था आज दिन को हम ना किसी वर्ल्ड कप से पहले ना चार पांच मैच ना हारने के लिए खेलते हैं ताकि हमारा मूड बन जाए <laughs> बेजत हो जाए पहले ना? नहीं 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 गलत वर्ड तो हम चार मैच हार जाते हैं

to play this format no. for last last couple of years or last three, four years or no. <laughs> madness with the the method method yes, method. yes. Method. yes. I speak with the logic बिल्कुल, hmm. बिल्कुल. and trait लेकिन मैंने आपसे एक सवाल है लोग रिजवान के बारे में ये कहते है कि दिलेर है फिर एक साइड उसकी वो एक्टिंग है या उसकी इंजरी है वो तो मैं दो साल पहले पढ़ ली थी जो तुम्हें थक जाता है

What's Plan. next for you? Uh, aap, uh, you have achieved so much. You said you want to it Never tell your plans. Mm. Mm. What are you doing in the future? So yeah. there's a lot of plans mm. and a lot of things that are happening and panning out for me. Mm. I wish I could have helped mm. uh, for Pakistan cricket, but They and just my so, <laughs> <laughs> so, कभी आ, नहीं किया आपको? जी जी सारी डिबेट है, सारी डिबेट हुई हुई है, बातें हैं, हैं सारा प्लान ले लेते मुझसे, okay. लगा किसी और के देते <laughs> 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 चलिए क्रिकेटिंग लाइटर नोट पे जाते अगर वसीम वकार तो आपने है। जी. आपको, आपने जिसके साथ खेला है वुड आमिर आसिफ बी बेस्ट फास्ट बॉलर जो हमको मिली या शाहिद को मिली uh, या किसी और को मिली वो almost villainized so, हो Very sad to see them going down like this. And, uh, it, was, it was very painful for me. Hmm. You know, very painful. But uh, eventually they got themselves into the trouble and I don't, you see, it is not the way you lived. It is not how you lived and the way you lived. Hmm. And, and, and let people judge you when you die. कि यार किस किस्म का बंदा था रिटायरमेंट डेथ है ना क्रिकेटर्स के लिए तो उस फेज लाइफ के लिए उस फेज ऑफ लाइफ के लिए डेथ होती है डिप्रेशन में चल जाता है तो अगर वो पब्लिक सेवी भी, भी ना हो उसको सोशल मीडिया भी ना आता हो उसको बात करना भी ना आती हो टी वी पर भी नहीं आ सकता नहीं। वो क्या करेगा क्रिकेट पे बात जब करनी हो तो क्रिकेट तो तो उसको ये भी ना आता हो तो फिर क्या करेगा वो सो mm. so, उसको याद कैसे रखा जाएगा दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे याद रखा जाएगा mm. मुझे ये बड़ा होता था यार मुझे लोग याद कैसे रखेंगे हाउ वुड दे रिमेंबर मी आई मीन डोंट टेल मी हाउ यू डाइड एंड टेल मी हाउ यू लिव्ड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नो द मोस्ट स्ट्रेसफुल थिंग वॉज फॉर मी टू इवॉल्व but i never said no to the growth. i never said no to the growth. you know, and uh, i made sure that you know, i keep on evolving in terms of, you know, uh, become a better human being. i become uh, a better well-spoken guy when it comes to giving lectures away and creating my own brand. Mm -hmm. i wish yeah, i could do that same for the, these youngsters. Mm -hmm. and i went up to them.

सो so, तुम्हारी वर्थ है, कि वाकी, तो तो ये है कहन वाकई दो तो ढाई बिलियन हो जाएगा मैं कह तो एक एंटिटी एम टॉकिंग अबाउट व्हाट अबाउट यू मर्जेंटाइजिंग वट अबाउट यू क्लोथिंग रेंज वट अबाउट योर जेव वट अबाउट यू ग्लासेस व्हाट वट नेम कीप ऑन नेमिंग एवरीथिंग वट अबाउट यू जस्ट कीप ऑन स्पेंडिंग योर मनी ऑन योर सेल्फ

सो so मैं वही सोच रहा था मैं तो घर आके डिप्रेशन में चला गया तो मेरे बच्चे कहने बाबा आपको क्या हुआ मैंने कहा यार आई वॉन्ट टू हेल्प दिस गाय टू कम आउट ऑफ दिस पेंडाज ये पेंडू के साथ स्टांडर्ड हुआ तो मैं तो आई वॉन्ट टू हेल्प हिम मैं तो उसकी मदद करना चाहता हूँ सो बट ही जस्ट आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स माई हेल्प आई डोंट थिंक ही वॉन्ट्स टू ग्रो एंड आई ग्रो अप

Well, people remember me the way I am now. Mm. Well, yeah. you can, is, is, after death, mm. you're talking about now? Mm. Mm. A good man. He was a, just a great guy. Mm. Simple. He was a great guy. Mm. That's it. Mm. That's all my sons to need to say to me. Mm. He was a great dad. Mm. That's it. He was a great friend. He was a great guy. He was a great son. He was a great, great guy on the podcast. Which I am। 100%। 100%। शक नहीं।, नहीं मैं तुम सबका पे हो शक है मेरे को बीस पच्चीस मेरे फॉलोअर ऐसे नहीं।, नहीं कर रहा था आगे। आगे। मैं कोई वो नहीं हूँ पेंडा क्रिकेटर मैं प्रॉपर सेवी हूँ एग्जैक्टली As uh, way, भाई आपके करियर का थ्रू आउट प्लेंगियर बिगेस्ट थिंग मेडर यार यहाँ पर तुमने हज़ार साल मुसलमान रहे हैं mm -hmm. अच्छा मुझे हिस्ट्री का बहुत शौक है तो यहाँ बादशाह रही इन मुसलमानों की ये हुआ मैं डिटेल में नहीं जाता मुझे हिस्ट्री पढ़ने का शौक़ और जगह देखने का बड़ा शौक था तो मैं सारे विजिट करता था आगे पीछे जाता था हमारे कटुम देख लिया अक् पर देखा उधर देखा इधर क्या बादशाह मौस क्या उधर गया उधर गया फिर मैंने रियलाइज़ किया यार कि इंडियन शुड नो अबाउट मी यू आई एम तो फिर मैंने एक फेमस वो कहा भी था जब अफरीदी से लोग पूछ रहे थे, थे पूछे ये कौन है मैं कह पुत्र तो बड़ी जल्दी जान देगा मैं कौन हूँ फिर मैं मैं तुम्हारे अब्बे को नहीं जोड़ूँगा <laughs> तो मैंने फिर उनको वो चुप करा दिया आ, था मैं फिर यही मैं कहता हूँ ना ये लाख का क्राउड ना ये बख्तरी चुप करा सकता था आ, तुम नहीं अहमदाबाद वाला क्राउड नहीं ना ना मैं जिधर भी होता डेढ़ भी इनकी बात कर डेढ़ लाख भी होता ना तो मैं अहमदाबाद होता या इलाहाबाद होता <laughs> हाँ <laughs> पता लगता ये चक्कर ही कोई नहीं है इसमें सोचो क्यों मैं कह रहा हूँ माई एनर्जी इज ओवर पावरिंग अबाउट डेढ़ बिलियन पीपल दिस इज दिसंट ऑम टॉक इन अबाउट इमेजिन करो कि आई एम ओवर पावरिंग यू राइट नाउ दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मैन की ये ओवर पावर करता है डेढ़ लाख बंदे को hmm. सोचो वो कितना मजबूत आदमी होगा hmm. सोचो वो कितना विजनरी होगा कितना वो, कितना फोकस्ड होगा वो रस्से के बाहर अच्छा आदमी भी है रिलैक्स मलंग पारग hmm. लेकिन रस्से के अंदर

तेरा मेंटल फिजिकल हेल्थ तेरा प्रोसेस बेको ठीक हो रहा हो मुंह चुके ब्याह करके वर्ल्ड कप से पहुंच गए यार वो नहीं करना भाई आपने सीधा 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 प्रोसेस वन टू थ्री स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री एंड देन गेट इन वर्ल्ड कप चलेंज सो दैट्स हाउ यून दर्ल्ड कप प्रोसेस प्रोसेसिंग है चुप करके पहुंच गए करा तो आपने वो की थी। नहीं यार मैं दो एंटिटीज रन नहीं कर सकता था ना मैं क्रिकेट भी रन करूं फिर साथ साल में दो फिल्में भी करूं मुझे कहा था मैंने ऑप्शन देखी थी गैंगस्टर मूवी मुझे ऑफर हुई थी पर एक दो मूवी मैं नाम देखता हूँ वो किसी और हीरोज़ ने किए वो भी सुपरहिट थी तो मैं सोच रहा था यार छ महीने क्रिकेट खेलूँ छ महीने फिल्म बनाऊँ फिर तो मैं समझ यार घूम जाऊँगा आप अभी कभी करेंगे कमिंग इन फिल्म? यार प्राइम बनने का सोच तुम मजाक कर रहा नो नो इंटरेस्ट इन फॉलो पॉलिटिक्स अबाउट इज द मदर लैंड इज माय ग्रेटेस्ट कंट्री ट अर्थ ये जमीन बड़ी खूबसूरत है बड़ी खूबसूरत जगह है mm. और हमने पार्ट प्ले करना है खून डोलना अपना इसको बेहतर करने के लिए बट दैट हेट नो बॉडी बट जो जो है अपनी जगह ठीक है अल्लाह का जवाब देगा सारी डालते हैं तो थोड़ी लगनी मदरलैंड के लिए हम सबको और करना चाहिए थैंक यू सो मच द पॉडकास्ट यू थैंक यू गैस फॉर वॉचिंगर कॉन्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड वॉज यू फर द नेक्स्ट पॉडकास्ट